11 दिन पानी में उबाल कर पी लो, 100 साल तक शुगर रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, कमजोर आंखें और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे चमत्कारी नुस्खे को बनाकर दिखाएंगे जिस नुस्खे का प्रयोग करके आप अपने शरीर की हर तरह की बीमारी का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी बीमारी के लिए दवा लेने चाहते हैं, जैसे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट के रोग, मोटापा, हार्ट ब्लॉकेज, किसी भी प्रकार की आप दवा लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में जो नंबर चल रहा है आप उस नंबर पर कॉल करके अपने घर पर ही दवा मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। दोस्तों ये नुस्खा आपके शरीर के लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाने का काम करेगा। और दोस्तों यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति हाई होगी तब आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों जीरा। और दोस्तों जीरा खाने के फायदे कौन नहीं जानता। दोस्तों जीरा आज भी हमारी रसोई में मसाले का एक अहम हिस्सा है और हर घर के किचन में आसानी से मिल भी जाता है। और दोस्तों ये कोई महंगी चीज भी नहीं है, यानी आपकी रसोई में ये उपलब्ध है। बस आपको जरूरत है इस नुस्खे के प्रयोग की और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बनाने की, एडी से लेकर चोटी तक के अपने शरीर को निरोगी बनाने की। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को लेने से आपको फायदा क्या क्या होगा, उसके बाद बताएंगे कि आपने इस नुस्खे को अपने घर पर ही बनाना कैसे है। खून की कमी। दोस्तों यदि आपके शरीर में खून की कमी है और आप अपने शरीर की इस खून की कमी का इलाज करना चाहते हैं, इसके साथ में आपके पूरे शरीर के खून को साफ करना चाहते हैं, उसको पतला करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। क्योंकि इस नुस्खे में जो मुख्य सामग्री है वो है जीरा और जीरा हमारे शरीर में खून की कमी का इलाज करता है। और दोस्तों यदि आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, आपका खून पतला होगा, आपका खून साफ होगा, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई गंदगी भी नहीं होगी, तो दोस्तों आपके चेहरे पर नया ग्लो आ जाएगा, आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया रुक जाएगी और आप बहुत तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। दोस्तों हमारे शरीर में 150 तरह की बीमारियां इस खून की गंदगी के कारण और इस खून की कमी के कारण हमारे शरीर में पैदा होती है। दोस्तों जितने भी हमारे चेहरे पर फुंसियां या चेहरे के खराब होना, ये कोई भी बीमारी होती है तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, जिसको हम ब्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम कहते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन होता है खून की गंदगी के कारण ही हमारे शरीर पर होती है। और यदि आपकी ये समस्या सही हो जाएगी तब आपका चेहरा भी निखर जाएगा। दोस्तों आप 50-55 की उम्र में भी 20 के दिखाई देंगे। डायबिटीज की बीमारी। दोस्तों यदि आपको शुगर की बीमारी है और इस आप शुगर की बीमारी को तो कंट्रोल करना ही चाहते हैं, इसके साथ में इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहना चाहते हैं, जैसे इसके कॉम्प्लिकेशन में आपका खून गाढ़ा हो जाता है, आपको हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है या किडनी की बीमारियां आपको लग जाती है, तो दोस्तों इसमें भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान की तरह काम करेगा और आपके शुगर लेवल को बिल्कुल कंट्रोल करने का काम करेगा और इस शुगर के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं आपको उन सब से बचाएगा, आपके शरीर की कमजोरी का इलाज करेगा। दोस्तों यदि आपको मोटापा है और आप अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल स्लिम और फिट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए भी ये नुस्खा वरदान है। क्योंकि इस नुस्खे की जो मुख्य सामग्री है वो है दोस्तों जीरा और जीरे के साथ इसमें हम 2 सामग्री और प्रयोग करें जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा और आपका मोटापा, आपके पेट की चर्बी मक्खन की तरह पिघल जाएगी। और दोस्तों ये मोटापा भी हमारे शरीर की बहुत तरह की बीमारियों का कारण बनता है। और दोस्तों आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग होगा वो ये आपको कहता भी होगा कि इस मोटापे को कम करो वरना आपका पूरा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा, यानी इस मोटापे के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं और ये नुस्खा आपकी इस समस्या का समाधान करेगा, यानी आपके पूरे शरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा। दोस्तों क्या आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों तब भी आप इस नुस्खे का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इससे आपकी ये बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर हो जाएगी। और यदि आपको कोलेस्ट्रॉल की कोई समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको हार्ट ब्लॉकेज आएगी और ना ही आपको हार्ट अटैक आने का डर रहेगा, क्योंकि दोस्तों हार्ट अटैक यानी कि दिल की बीमारियों के मुख्य कारण होता है या तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या
समस्या होती है या ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, और इससे दोनों ही समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। यानी आपकी हाई बीपी की समस्या भी दूर होगी और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी दूर होगी, जिससे आप दिल की हर तरह की बीमारी से बच रहेंगे। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक से हमेशा बच रहेंगे। दोस्तों, क्या आपका पाचन कमजोर है और इस पाचन कमजोर होने के कारण आपको अपच, पेट में गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है, आपको हमेशा कब्ज बन रहती है, आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होता, तो दोस्तों तब भी आप इस नुस्खे का अपने घर पर प्रयोग कर सकते हैं। इस नुस्खे को अपने घर पर ही बना सकते हैं और इसको सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका पाचन मजबूत होगा, जिससे आपको पेट से जुड़ा कोई भी रोग नहीं होगा, यानी आप पेट के सभी तरह के रोगों से बचे रहेंगे। दोस्तों, यदि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर है और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ में जैसे आपकी आंखों से पानी आता है, जैसे आप कोई भी बाइक वगैरह स्पीड पर चलाते हैं उससे आपकी आंखों से पानी आता है, तो दोस्तों ये नुस्खा उसका भी इलाज करेगा, आपकी आंखों की हर तरह की समस्या का इलाज करेगा, आपकी आंखों से इस चश्मे को हटाने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है या आपके शरीर की हड्डियां कमजोर हैं, तो दोस्तों उसका भी ये इलाज करने का काम करेगा, यानी आपके शरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा। अब आप बोलेंगे कि एक नुस्खा हम लेंगे, एक नुस्खा इतनी सारी बीमारियों में काम कैसे करेगा? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम जो बातें करते हैं किसी भी, जैसे ये जीरा हो गया, हम इसको मेन प्रयोग करते हैं मसाले के रूप में, परंतु इसके हर बीमारी में कुछ ना कुछ फायदे नजर आते हैं। और दोस्तों वे फायदे यदि आप इसके साथ दो इंग्रेडिएंट और मिला दें तो वो फायदे और भी अधिक बढ़ जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब आपने इस नुस्खे को अपने घर पर बनाना कैसे है। दोस्तों, आपने क्या लेना है, एक चम्मच जीरा लेना है, और जीरा लेकर आप रात भर के लिए एक गिलास पानी में डालकर उसको भिगो कर रख दें, और सुबह जब आप उठें उसको आग पर उबलने के लिए रख दें, और जब वह अच्छी तरह से उबल जाए तब उसको आग से नीचे उतार कर एक गिलास में डाल लें, जैसे कि यह हमने डाल लिया। अब आप उसमें 1 से 1.5 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर मिला दें, और 1 चम्मच मिला दें शहद, प्योर शहद। और दोस्तों ये आपका नुस्खा रेडी हो गया। और इस बात का ध्यान रखना है आपको कि शहद मिलाने के बाद इसको दोबारा गर्म नहीं करना है, आपको ऐसे ही इसका सेवन करना है। और दोस्तों यदि आप इस नुस्खे का प्रयोग करेंगे तब आपका पूरा शरीर बिल्कुल निरोगी बन जाएगा, आपके शरीर की इम्यून पावर, रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी, और आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है, आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रयोग करें और अपने शरीर को बिल्कुल निरोगी बना दें, अपने शरीर की हर तरह की बीमारी से बचे रहें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।